हाल ही में रिब इंजरी की वजह से सलमान खान को एक इवेंट के दौरान सोफे से उठने में भी दिक्कत नजर आई थी। ना तो वो मूव कर पा रहे थे, ना तो ठीक से चल पा रहे थे, ना खड़े हो पा रहे थे। हालत इतनी बुरी थी कि उसके बाद सलमान खान ने सर्जरी कराई और डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई, जिसके बाद रिपोर्ट ये आई कि सलमान खान की सर्जरी के बाद आखिरकार वो रिकवर कर रहे हैं। अब एज इशू भी है, थोड़ा एज उनका हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा भी एज नहीं है कि वो रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगवाएं। ऐसे में सलमान खान को वाकई में रिब इंजरी की वजह से जो पीड़ा है, उस पीड़ा के बावजूद जो बहुत रेयरली कहीं जाते नज़र आए हैं, बिग बॉस शो में मेज़बानी के लिए भी सलमान राज़ी अब तक नहीं हुए। इस बीच अगर वो अंबानी परिवार के फंक्शन का हिस्सा बनते हैं तो निश्चित तौर पर पारिवारिक रिश्ते हैं इसलिए बनते हैं। सलमान गणेश चतुर्थी के मौके को बहुत खास मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। उनकी बहन अर्पिता भी अपने घर पर गणपति बप्पा का स्वागत करती हैं। तो जहाँ सलमान आरती करने हर साल पहुँचते हैं, वहाँ इस साल भी पहुँचे पीड़ा के बावजूद, दर्द के बावजूद, चोट के बावजूद। और ऐसे ही अंबानी परिवार ने भी चोटिल सलमान खान को अपने घर बुलाया और दर्द से कराते हुए भी सलमान धीरे धीरे सहम सहम कर अपनी इंजरी का ख्याल रखते हुए नजर आए और पहुंचते नजर आए, जो अंदर से थोड़े से सहमे भी नजर आए। नेक्स्ट 9 लाइव श्रुति की रिपोर्ट।